हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में एमपीएसआई और एमपी पुलिस जीके के बारे में बात करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो का सेट टू है। यदि आप लोग सेट वन नहीं देखे हैं उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो देखते समय आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गुजरात की पहली महिला डीजीपी कौन थी? गुजरात की पहली महिला डीजीपी कौन थी? आप लोग चाहो तो साथ साथ उत्तर भी देते चाहिए कमेंट में लिख के। इससे पता चलेगा आप लोगों से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो में देखे हैं देखेंगे, ये 2017 एमपीएसआई एमपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें जिसमें ये क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से बन जाए, क्योंकि एमपी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसका आंसर होगा गीता जौहरी, ऑप्शन फोर्थ। क्या होगा? गीता जौहरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन नगर पालिका सेवाएं प्रदान करने के लिए ई नगर पालिका नामक एप आरंभ किया है? कौन राज्य किया है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ आप लोगों का आंसर होगा, ऑप्शन फोर्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिक जो भीमबेटका गुफाओं की खोज से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उन वास्तुकारों में से एक था जिन्होंने नई दिल्ली और वहां की कई प्रसिद्ध इमारतों की रचना की थी? कौन था? एडवर्ड लुटियंस, ऑप्शन फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा है? भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? इसमें ऑप्शन तीन है, इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट बांग्लादेश, ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग FW1 है? निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या वन है? कौन है? इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी पर, ऑप्शन थर्ड आप लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की स्थापना कब हुई थी? NCC की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सेकेंड आप लोग का आंसर होगा, 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई थी? आप लोग जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट 1969, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जी दांडी मार्च का प्रारंभ कहां से किया था? ये तो सबसे पता रहना चाहिए। क्या हुआ आंसर? साबरमती आश्रम से, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह कौन सा है? कौन सा है?
ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट देखते हैं, अशर्फी महल और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है? अशर्फी महल और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है? आप लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, कहाँ स्थित है? मांडू में। नेक्स्ट देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 2011 में। तो ये रहा आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।